10 है। तो अगर 220 वोल्टेज का कोई भी सामान चलाना है तो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से दोनों तार में से दो फेस ले जाके, और कोई भी चाहे आपका एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, कुछ भी चलाना हो, चाहे ट्यूबलाइट चलाना हो, तो क्या करेंगे, दोनों फेस ले जाके जोड़ देंगे। तो दोनों फेस ले जाके जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, 220 वोल्टेज का करंट वहाँ पर पहुँच जाएगा, और 220 में जो भी उपकरण चलने वाला होगा वो आसानी से चलेगा। तो देखिए ऐसे ही कनेक्शन होता है यहाँ पर। अब चलिए देखिए यहाँ पे एमसीबी के बारे में थोड़ी सी बंडा रहे। देखिए ये तीन फेस आया हुआ है और थ्री पोल एमसीबी भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको गिरा देंगे तो पूरा लाइट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए न्यूट्रल की पत्ती लगा है, ठीक है। अब देखिए अगर एसी के लिए, खास करके एसी 220 वोल्टेज का होता है, तो एसी के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से दोनों फेस लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो एसी के 220 वोल्टेज चाहिए तो दोनों फेस लेकर चले गए, और लाइट और कोई भी चीज़ अगर आपको 110 वोल्टेज का है तो क्या करेंगे, एक फेस इसमें से जोड़ेंगे और न्यूट्रल इसमें से जोड़ेंगे, क्योंकि एक तार में 110 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ भी 110 वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे जोड़ दिए आर वाई बी, तीन तार जोड़ दिए, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर वाई बी तीन फेस आया, फिर आर वाई बी तीन फेस आया, आर वाई बी तीन फेस आया। तो इसके सामने और इसके सामने जोड़ेंगे तो एक ही फेस है तो नहीं चलेगा, एक ऊपर और एक नीचे जोड़ेंगे तो आपकी लाइट चलेगा, ठीक है। फिर एक ऊपर एक नीचे जोड़ेंगे तो आपकी लाइट चलेगी, एक ऊपर एक नीचे जोड़ेंगे तो आपकी लाइट जलेगी। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आर वाई बी, ठीक है, फिर आर वाई बी, ठीक है, यहाँ तक बी आया, फिर आर वाई बी, फिर यहाँ तक बी आया, आर यहाँ भी आया, आर यहाँ भी आया। तो अगर इसमें और इसमें आप लोग जोड़ेंगे तो आपकी लाइट नहीं चलेगी, क्योंकि आर और ये भी आर, ये आपका एक ही लाइट है, एक ही फेस हो गया ना। आर वाई बी तीन फेस हो गया, आर वाई बी तीन फेस हो गया, ए और ए एक ही है, ए और ए एक ही है, और ए एक ही है, एक ही फेस है। तो इसमें आप लोग जोड़ेंगे तो आपकी लाइट नहीं चलेगी, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मेन स्विच ब्रेकर लगता है, तो वो अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से साइड से भी आप लोग दे सकते हैं, और यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दे दें कि यहाँ पे जो 220 वाला बोर्ड लगता है वो कैसा रहता है। देखिए देखिए नेटवर्क नहीं था इसलिए कट गया। तो वो देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, तो 220 का आपको बता दें कि देखिए अभी 220 जो बोर्ड लगता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, एक ऐसे कट रहेगा, एक ऐसे कट रहेगा, 220 वाले बोर्ड में एक ऐसा कट रहेगा, एक ऐसा कट रहेगा। देखिए एसी के लिए स्विच बोर्ड लगाया जाता है, एसी के लिए ये स्विच बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट के लिए देखिए एक सॉकेट लगा, एक स्विच लगा है, देख सकते हैं इधर भी एक सॉकेट एक स्विच लगा है। यहाँ पे भी देखिए स्विच लगा है, यहाँ पे देखिए डिजाइन वाला स्विच लगा है, और वहाँ पे देख और दोस्तों देख सकते हैं हमारे टूल्स बॉक्स, इसमें काफ़ी सामान है, इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपको फिर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग आने वाले हैं वो देखें और समझें।